बुधवार को पंजाब नेशनल बैंक के मंडल कार्यालय पर मंडल सचिव ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन पांडे सुशील के नेतृत्व में वेतन वृद्धि सहित अन्य समस्याओं को लेकर स्टाफ के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा मात्र 2% की वेतन बढ़ोतरी के प्रस्ताव के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। मंडल सचिव ने कहा कि सरकारी बैंकें जन कल्याण की हर योजनाओं को सफल बनाती हैं, जिसमें जन धन योजना, मुद्रा योजना, जीवन ज्योति योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना, ऐसे ही कई लोक कल्याणकारी योजनाओं को चलाने में बैंक कर्मियों को दिन रात काम करना पड़ रहा है, लेकिन वेतन बढ़ोतरी पर सरकार निराशजनक रवैया अपना रही है। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो बैंक अधिकारी और कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल पर चले जाएंगे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडल सचिव ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन पांडे सुशील ने कहा, वेतन वृद्धि समझौता शीघ्र लागू करो, वेतन वृद्धि समझौता शीघ्र लागू करो, इनकलाब जिंदाबाद, हमें भीख नहीं वेतन वृद्धि चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद, आई दिए हाय हाय, पूरी करो चाहे जो मजबूरी। हमारी वेतन द्विपक्षीय समझौता 1/11/2017 से ड्यू है। सरकार द्वारा बार बार हमारी मांगे अग्रिम रूप से देने के बावजूद भी अभी तक इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है। पिछले दिनों 5 मई को जब हमारी वार्ता हुई थी आईबीए के, तो आईबीए ने हमारे 2% वेतन वृद्धि का प्रस्ताव दिया था, जिसे हम लोग पूर्णतः स्वीकार करते हैं। उन्होंने बैंकों की लाभप्रदता का उल्लेख किया था, जबकि हम इस संबंध में कहना चाहते हैं कि हमारे बैंक अनवरत लाभ के पथ पर अग्रसर हैं। 2014 में टोटल हमारा लाभ था 1,27,653 रुपये, वर्तमान में हमारा 1,58,982 रुपये लाभ है, सकल लाभ। जबकि सरकार के द्वारा जो नेशनलाइजेशन एक्ट बनाया गया था, उसमें हमें दिया गया था कि आपकी जो लाभप्रदता होगी उसी से आपके सारे चीज़ों का निर्धारण होगा। सरकार उसके बाद दिन प्रतिदिन परिवर्तन करते जा रही है। कभी वो NPA के लिए DA जो इनकम हुआ उसको माइनस करना, वैसल को कमेटी लाना, जिसमें कि हमारी जितनी भी लोन खराब होते हैं उनके लिए प्रोविजन बढ़ाना, इन सभी गतिविधियों करते हुए हमारी स्थिति आज ऐसी कर दी गई है कि हमारी लाभप्रदता लगभग 0 के बराबर आ गई है। जबकि सरकार की 1969 की जो हमारे नेशनलाइजेशन एक्ट की पॉलिसी है, उसी के तहत हमारी मांग है कि हमारी लाभ इतनी है तो हमारी वेतन भी वृद्धियाँ भी उसी के अनुपात में की जाए। सरकार की जितनी भी योजनाएँ हैं वो हमारे द्वारा लागू होती है, जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना, SHG महिला स्वयं सहायता समूह को ऋण दिया जाना जिसे NRAP कहा जाता है, ये सभी योजनाएं जब हम लागू करते हैं तो सरकार हमारी जो वेतन वृद्धि का वार्ता आती है या जो भी होती है उस समय हमारे लाभप्रदता से जोड़ती है। जब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन LIC है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अन्य वित्तीय संस्थान है, उन पर सरकार कोई भी अपनी योजनाएँ लागू करने का दबाव नहीं देती है। तो हमारी मांगे हैं कि जिस तरह से अन्य वित्तीय संस्थाओं को फ्री करके अपनी लाभप्रदता के हिसाब से कर्मचारियों को वेतन देते हैं, हमारी भी वही पूर्ण मांगे हैं, हमें भी उसी आधार पर वेतन वृद्धि की जाए। एक बैंक अधिकारी आज जो बैंक में आता है, कर्मचारी आता है, उसकी वेतन अगर एक शिक्षक आते हैं उन्हें 1 महीने में 40,000 रुपये मिलता है, एक अधिकारी को मिलता है मात्र 23,000 रुपये, क्या ये विसंगतियाँ नहीं हैं? जबकि कार्यभार अगर मूल्यांकन किया जाए, एक हमारे बैंक अधिकारी कर्मचारी का कार्य का समय, इनके प्रति समाज के प्रति उनकी जो भावनाएं हैं, जिस तरह जन कल्याण के कार्य करते हैं, वो सभी आज जो 5 तारीख को जो हमारे वार्ता विफल हुई थी, उसी वार्ता के संदर्भ में 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन का आयोजन लंच अवधि में किया गया था 5, 8 तारीख और 9 तारीख को। अब अगली हड़ताल की तिथि 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा इसी माह के अंत में होगी, जिसकी सूचना आपको शीघ्र ही दे दी जाएगी। इसके लिए ग्राहकों को जो क्षमा तकलीफ होगी उसके लिए हम अधिकारीगण कर्मचारीगण क्षमा प्रार्थी करते हैं, क्योंकि हमें भी अपनी परिवार चलाना है, हमें लाइफ स्टाइल हमारा जो भी है समस्याओं के निर्धारण के लिए हमें भी तो पैसे चाहिए। वेतन हमारा अगर समानुकूल ना मिलेगा तो हम कैसे नॉर्मल लाइफ जीवित करेंगे।